तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं, ये हम मेरठ का जो रेलवे का जो ब्रिज है उससे उतर चुके हैं और नीचे चल रहे हैं हम प्रतापपुर के लिए। तो आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं ये प्रतापपुर से लेकर और मेरठ सेंट्रल तक का नज़ारा। तो आप बने रहो केपी संत के चैनल पर, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, और नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हैं आगे पड़ेगा प्रतापपुर का RRTS का स्टेशन, तो उस पर जो वर्क चल रहा है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी पिलर बनाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है पिलर का, कुछ जगह पिलर कैप का काम किया जा रहा है, देख सकते हैं अपनी आंखों से। और आगे आने वाला है प्रतापपुर का स्टेशन, उस पर देखते हैं चल के कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, कितना है बाकी, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो वीडियो के एंड तक। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, आज जितने भी स्टेशन हैं प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर और ब्रह्मपुरी और एंड मेरठ सेंट्रल तक का व्यू दिखाएंगे। तो देख सकते हैं दोनों साइड में अभी एक पिलर से दूसरे पिलर पर ये लगाए जा रहे हैं, तो कहीं कहीं लगा दिए जा चुके हैं, कहीं कहीं इस पर वर्क चल रहा है, तो कौन कौन से लेवल का काम बिल्कुल कंप्लीट है। सेकंड जो प्लेटफॉर्म लेवल का काम है उस पर वर्क चल रहा है अभी, वो भी कम्प्लीट सही हो चुका है। तो अभी दोनों साइड के जो पिलर हैं दोस्तों उन पर गाटर रखे और उनको जोड़ा जा रहा है। तो देख सकते हैं आधे पिलर जोड़ दिए जो गए हैं, आधे पिलर हैं बाकी। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपने आंखों से, ये बायोडक्ट पहले ही जोड़ दिया गया था दोस्तों। दूसरा स्टेशन आ चुका है ब्रह्मपुरी का, देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग, सॉरी ये रिठानी का स्टेशन है, देख सकते हैं अभी इस पर जो वर्क चल रहा है वो दोनों पिलर जोड़ लिए गए आपस में, और इन पर अब गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, गाटर रखे जा रहे हैं और गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, फिर उसके बाद में फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। ये रिठानी का स्टेशन है और इस पर कौन कौन से लेवल पहले ही तैयार कर लिया गया था, अब प्लेटफॉर्म लेवल का वर्क चल रहा है इस पर। और देख सकते हैं इधर ये पिलर पहले ही बन चुके थे, अब इन पर बीच में गाटर रखा जाएगा, गाटर रख देने के बाद में फिर ये एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा जाएगा दोस्तों, मतलब साइडों में जोड़ा जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यह है रिठानी का स्टेशन RRTS का, तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो। तो इतना ही वर्क बचा है, बाकी ये बायोडक्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है बनके, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें।
और ये स्टेशन है शताब्दी नगर का, देख सकते हैं दोनों साइड में अभी एक साइड के तो पिलर बन चुके हैं, दूसरे साइड के बनाए जा रहे हैं लेफ्ट हैंड के, और उन पर वर्क किया जा रहा है। तो कुछ पिलर पहले ही बन गए थे, कुछ पिलर अब बनाए जा रहे हैं। और देखिए सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है इस पर, नीचे का कॉन्क्रीट लेवल का तो वर्क पहले ही कम्प्लीट हो गया था इस पर सारा, अब प्लेटफॉर्म लेवल का इस पर वर्क चल रहा है, प्लेटफॉर्म लेवल का ही प्लेटफॉर्म लेवल का बनाया जा रहा है इस पर। और यह है शताब्दी नगर का स्टेशन RRTS का तस्वीर, आप लोग देख सकते हो दोनों साइड में ये पिलर जोड़े जाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो ये बन के कम्प्लीट हो चुके हैं देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर लॉन्चर नहीं है देख सकते हैं, लॉन्चर अभी आगे देखने के लिए मिलेगा। तो जो बायोडक्ट था वो पीछे ही क्लियर हो चुका है, बस स्टेशन ही बचे थे। और ये देख सकते हैं ये है सॉफ्ट्रिक्स मॉल शताब्दी नगर का तस्वीर, आप लोग देख सकते हो। और ये यहाँ पर ये पायल मशीन खड़ी हुई है, जो पायल करेंगे दोनों साइड में, फिर इस पर बीच में गाटर रखा जाएगा, फिर उस पर गाटर सीधे सीधे रखे जाएँ, फिर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, अभी यहाँ पर बीच बीच में ही वर्क चल रहा है। आपको बता दूँ दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा वर्क जो चल रहा है इस पर RRTS का, वो चल रहा है दोहाई से लेकर और साहिबाबाद के बीच में सबसे ज़्यादा वर्क देखने के लिए मिलेगा, और तेज़ी के साथ में अभी वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये 2023 के मार्च में रैपिड रेल चलाई जानी है, तो इस वजह से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेज़ी के साथ में। बाकी मोदी नगर में भी बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। और उधर आपको बता दूँ न्यू अशोक नगर की साइड में भी बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर यह फाउंडेशन बना के और पिलर का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर लिया गया है, अब इन पर रिंग लगाए जाएंगे, रिंग लग जाने के बाद में इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, कॉन्क्रीट भर देने के बाद में दोस्तों इस पर पियर कैप लगाए जाने। तस्वीरें देख सकते हो कि ये शताब्दी नगर निकलने के बाद में है, और अब आएगा ब्रह्मापुरी का स्टेशन, तो वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ KP संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है दोस्तों, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो देख सकते हैं कुछ प्लेयर अभी भी बाकी हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये इतना बायोडक्ट क्लियर कर चुका है ये लॉन्चर, आप लोगों को वो सामने लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी सारे पिलर इस लॉन्चर ने यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं, और जहाँ पर हमने पिछली वीडियो में दिखाया था लॉन्चर अभी वहीं पे ये लॉन्चर है, क्योंकि यहाँ पर आगे की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्योंकि आगे पियर कैप का काम चल रहा है, और ये आ जाता है ब्रह्मापुर का, आपको बता दूँ ये फ्लाईओवर दोस्तों, और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे फ्लाईओवर को वैसे ही ब्रह्मपुरी का स्टेशन आ जाएगा RRTS का। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी पियर कैप बने हैं, इन पर नापतौली का काम चल रहा है, फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे तब ये लॉन्चर आगे बढ़ेगा, और ये बढ़ रहा है आगे मेरठ सेंट्रल की साइड में, और ये ब्रह्मपुरी की स्टेशन के लिए ये लॉन्चर जोड़ता हुआ जा रहा है बायोडक्ट को दोस्तों। देख सकते हैं कि सारे पियर कैप बन चुके हैं, और पियर कैप बन जाने के बाद इन पर नापतौली का काम होता है, उसके बाद में ही इस पर लॉन्चर लगाया जाता है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, देखो ये कि ये पिलर बचा हुआ पियर कैप के लिए, इस पर पियर कैप लगा दिया जा चुका है, यहाँ पर अभी ये पियर बचे हैं इधर की साइड में, इधर पियर बचे हुए हैं, आगे देखते हैं आगे कितने पियर बचे हुए हैं। तो देख सकते हैं ये भी पियर अभी ऐसे ही के ऐसे ही हैं, इन पर अब सेटरिंग लगाई गई है, अब इन पर कंक्रीट भरा जाएगा दोस्तों, भर जाने के बाद में फिर इनको बीच में ये गाटर रखा जाएगा, बीम रख देने के बाद में फिर साइड के जो पिलर हैं वो कनेक्ट किए जाएंगे। तो अभी यही पिलर बनाए जा रहे हैं, और आगे आप लोगों को ब्रह्मपुरी का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा, उस पर कितना कुछ वर्क हुआ है कंप्लीट वो भी आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ तक ये स्टार्ट हो जाता है ब्रह्मपुरी का स्टेशन, देख सकते हैं तस्वीरें, क्योंकि ये दोनों साइड में वर्क चल रहा है, क्योंकि बीच में बांध ये गाड़ियाँ निकलेंगी बढ़ेंगी, तो इसलिए इसमें बीच में नहीं दिया हुआ है, साइडों में इसके पिलर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ तीनों आपको बता दूँ, साइड में भी, बीच में भी और राइट में भी, इसमें तीनों में ही पिलर देखने के लिए मिलेंगे, कनेक्ट किए जाएंगे। और यह है ब्रह्मपुरी का स्टेशन RRTS का,
और इसे क्रॉस करने के बाद में दोस्तों फिर आ जाएगा मेरठ सेंट्रल का स्टेशन, वो होगा अंडरग्राउंड, और वहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएगी, जो कि आपको बता दूँ दोस्तों कि 82 किलोमीटर के रूट में 12 किलोमीटर का रूट जो है वो है अंडरग्राउंड और 70 किलोमीटर का जो पार्ट है वो है एलिवेटेड इस पूरे कॉरिडोर में। और आपको बता दूँ 82 किलोमीटर के रूट में दोस्तों ये 31,000 करोड़ की लागत से ये RRTS बनाई जा रही है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और इसकी सन 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था तो नहीं बन पाया था, तो देख सकते हैं तो यही है। और इसकी आपको बता दूँ जो इसकी डेडलाइन है वो 2025 में बिल्कुल आम पब्लिक के लिए पूरा रूट खोल दिया जाएगा, और उससे पहले सन 2023 के मार्च में दोस्तों दुहाई से लेकर और साहिबाबाद के बीच में 17 किलोमीटर के पार्ट में पहली बार RRTS दौड़ेगी हमारे भारत में, जो कि मेड इन इंडिया लेस है और 182 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलाई जानी है। तो देखते हैं कि नज़ारा कैसा होगा, तो ये तो देखने के बाद में ही चलेगा दोस्तों। कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों के, इसीलिए मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ कि इस परियोजना का, कि भारत में पहली बार ये योजना लाई गई है और बहुत तेज़ी के साथ में इस पर काम किया गया है। और आपको बता दूं कि और जो योजनाएं चल रही हैं कि उन पर काम लटक जाता है, लेकिन इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर कोई काम लटका नहीं हुआ, तेज़ी के साथ में दिन रात वर्क चल रहा है दोस्तों, दिन रात। आपको बता दूं कि देख सकते हैं ये मेरठ सेंट्रल जो आ चुका है वो अंडरग्राउंड ही काम चल रहा है, तो ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं उसी चीज़ के, आप लोग आगे देखने के लिए मिलेगा और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाती है दोस्तों, और ये 6 किलोमीटर का पार्ट है जो अंडरग्राउंड है, और इसके अंदर 3 स्टेशन हैं जो अंडरग्राउंड हैं, बाकी 13 स्टेशन में से आपको बता दूं कि 10 स्टेशन एलिवेटेड हैं, 3 स्टेशन इसके अंडरग्राउंड है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं ये क्रेन मशीन लगी हुई है, ये अंडरग्राउंड ही काम चल रहा है। और आपको बता दूं कि इस RRTS की वजह से, रैपिड रेल की वजह से यहाँ पर स्लो डाउन रहता है बहुत ज़्यादा, देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो चल रहे हैं आगे, दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से यहाँ वर्क चल रहा है इस अंडरग्राउंड टनल का दोस्तों। यहाँ टनल बनाई जा रही है जो 6 किलोमीटर की टनल है यहाँ पर, तो देख सकते हैं दोनों साइड में ये टनल का ही काम चल रहा है, दोनों साइड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और मैं इतने अच्छे से आप लोगों को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इतने अच्छे से अब तक किसी ने नहीं बताता होगा, और मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ इस RRTS पे जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है RRTS का, उस पर हर चीज़ मैं दिखाने की और बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी यही रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, और मैं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ अंदर तक की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो तो मैं आप लोगों को टनल भी दिखाऊंगा कि टनल किस तरीके से बनाई जाती है। देख सकते हैं ये मशीनें लगी हुई हैं, और ये यहाँ से आगे जाके अंडरग्राउंड ये वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो यहाँ पर देखो पाइल मशीन लगी हुई है, और पाइल मशीन इसमें पाइल करेगी, फिर इसके बाद में ऊपर फाउंडेशन बनाया जाएगा, फाउंडेशन बनाएगा फिर इसमें पिलर का दो स्ट्रक्चर है सड़ियों का जाल वो खड़ा किया जाएगा, फिर उसमें रिंग लगाई जाएंगे, रिंग लग जाने के बाद में फिर पियर कैप का काम किया जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं ये यहाँ से अंडरग्राउंड स्टार्ट हो जाती है टनल, तो ये अंडरग्राउंड टनल का ही काम है, देख सकते हैं तस्वीरें आप लोग अपनी आँखों से दोस्तों। और आप लोग हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि KP संत के वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही मिलती है या नहीं मिलती है, आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना,
नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।